हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 18.1 के स्टेबल अपडेट की रिलीज़ डेट के बारे में। ये अपडेट आपको कब देखने को मिलने वाला है अपने डिवाइसेस के लिए ऑफिशियली, और साथ में बात करेंगे कौन से फीचर्स आपको इस अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो iOS 18.1 का स्टेबल अपडेट रहने वाला है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होने वाला है। करंटली ये पब्लिक बीटा 2 अपडेट मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने डिवाइस के ऊपर, और इसका साइज़ काफ़ी कम है। बट जो स्टेबल अपडेट है उसमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप iPhone 15 Pro या 15 Pro Max या iPhone 16 यूज़ कर रहे हो तो आपको एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर्स अवेलेबल होने वाले हैं, जिनमें कि न्यू सीरी होगी और साथ में आपकी जो नोट्स की एप्लीकेशन है उसमें भी आपको एप्पल इंटेलिजेंस का राइटिंग टूल देखने को मिलने वाला है। और साथ में अब आप खुद से किसी भी फ़ोटो को जनरेट कर सकते हो। मान लो आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो आप उसके लिए खुद से किसी भी इमेज को क्रिएट करके उसको सेंड कर सकते हो, और साथ में इमोजेस को भी क्रिएट करके यहाँ पर सेंड कर सकते हो अपनी आई मैसेज की एप्लीकेशन के थ्रू। कुछ इस तरीके से आप उसकी कार्टून जैसी फ़ोटोज़ ग्राफ्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, और साथ में टैप टू सीरी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बस आपको बॉटम पे यहाँ पर डबल टैप करना है और आपके आईफोन की जो सीरी है कुछ इस तरीके से लॉन्च हो जाएगी आपके डिवाइस के ऊपर। और साथ में जो iOS 18.1 का अपडेट है उसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने को मिलने वाला है। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आईफोन 11 भी सपोर्ट करता है। तो करंटली मैं इस वीडियो में आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ iOS 18.1 के अपडेट पे, और यहाँ पर आपको चले जाना है सिंपली ऐप्स के सेक्शन पे, और यहाँ पर आपको फ़ोन की एप्लीकेशन के ऊपर टैप करना है। कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो पुराने डिवाइसेस में भी आने वाला है। उसी के बाद ही आपको जन मोजेस का फीचर भी इसी अपडेट में रिसीव होने वाला है, जिसके साथ आप खुद से किसी भी इमोजी को क्रिएट कर सकते हो। जो भी स्केच आपने क्रिएट कर रखा होगा उसके ऊपर आपने सर्कल क्रिएट करना है, और आपके सामने उसकी हूबहू जो इमेज है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो जेन मोजेस कुछ इस तरीके से काम करता है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी जाएंगी, जिसके साथ आप खुद से अपने किसी भी इमोजी को क्रिएट कर सकते हो, अपने किसी भी फ्रेंड को सेंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इमेज वांट कैन ट्रांसफ़र योर रफ स्केच, जो भी आप रफ स्केच को क्रिएट करोगे उसकी जो इमेज जो है वो रियल वाली वो यहाँ पर आपका डिवाइस क्रिएट करके आपको सेंड कर देगा कुछ इस तरीके से। और आपकी जो फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी स्मार्ट होने वाली है, और साथ में कुछ इस तरीके से आपको नया सीरी का इंटरफेस भी देखने को मिलने वाला है अगर आप आईफोन 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स को यूज़ करोगे। इस नए अपडेट के ऊपर कुछ इस तरीके का सीरी इंटरफेस होने वाला है आने वाले नए iOS 18.1 की अपडेट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा अपडेट होने वाला है, और प्रिपेयर कैसे करना है अपने डिवाइस को इस अपडेट के लिए तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ ऐसा जो सीरी या इंटरफेस ऐसा देखने को मिलने वाला है सीरी का। वैसे तो सीरी कुछ इस तरीके से काम करती है आपके डिवाइस में ऐसे, बट आपको ग्लोइंग इफेक्ट चारों ओर देखने को मिलेगा आपके डिवाइस के ऊपर अगर आप आईफोन 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स पे इस अपडेट को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद आपके लिए एक न्यू फोकस मोड भी आने वाला है, फोकस मोड में जो कि होने वाला है इंटरप्शंस को दूर करने के लिए। आप किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हो, और यही चीज़ जो है वो डिस्ट्रैक्शंस की तरह काम करती है आपके सफारी ब्राउज़र में। जो भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो यहाँ से आप डिस्ट्रैक्टिंग के फीचर को यूज़ कर सकते हो, हाइड डिस्ट्रैक्शंस को। जो भी आप चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसको आप कुछ इस तरीके से हाइड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, परमानेंटली नहीं, ये टेम्परेरली फीचर रहने वाला है आपके सफारी ब्राउज़र में। तो ये कुछ नए फीचर्स आपको iOS 18.1 के नए स्टेबल अपडेट में रिसीव होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है इस अपडेट की रिलीज डेट के बारे में। तो चलिए चलते हैं कैलेंडर की एप्लीकेशन में। सो गाइस, ये जो स्टेबल अपडेट है आपको इसी मंथ में देखने को मिलने वाला है, जो कि अक्टूबर का मंथ है, और इसकी जो डेट रहने वाली है वो आपको 28th ऑफ अक्टूबर को ये अपडेट देखने को मिलेगा ऑफिशियली अपने डिवाइसेस के ऊपर।
तो करंटली कोई एक और अपडेट आने वाला है, इसका बीटा अपडेट जो कि ICD.1 का रहने वाला है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो ये थी गाइज आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपने चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।